hello everyone welcome back to my classes in today's class i have uh, taken up the topic of leaf and its modification this class is in continuation with my previous classes of morphology of flowering plants so earlier i have spoken to you about the stem part the root the flower and floral diagram so today it's leaf and its modification okay so basically what is leaf so you know what is leaf right you have you know what is plant you know what are plants you have, you see leaf every day in your uh day in in your uh, in your day to day life and but have you noticed something like all plants do not have similar type of leaf okay uh, so आप जब आपके आसपास देखते हैं तो जो leaves होते हैं ना पत्ते तो आपने देखा होगा कि हर हर leaf अलग type के होते हैं हर leaf का shape अलग होता है उसका कुछ कुछ लीव्स के तो कलर भी अलग होते हैं है ना तो <coughs> तो क्या है ये ये आपने देखा है लीफ के बारे में लेकिन आज हम जानेंगे कि ये उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है उनकी मॉडिफिकेशंस उनका फंक्शन क्या है स्ट्रक्चर क्या है ओके सो लेट्स मूव ऑन टू आवर स्लाइड्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल लीफ स्ट्रक्चर सो इफ यू सी द लीफ द लीफ स्ट्रक्चर बेसिकली जो लीफ है उसके तीन पार्ट होते हैं ओके okay? उसके बेसिकली जो लीव है उनके तीन पार्ट होते हैं तो आपने लीफ का जो बेसिक जो आपका लोअर पार्ट है उसे कहा जाता है आपका लीफ बेस ओके मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ ये देखिए जो बेसिकली इसके तीन पार्ट होते हैं थ्री पार्ट्स लीफ बेस पेटियोल एंड लीफ ब्लेड तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ना इसको बोलते हैं लीफ बेस ओके दिस लोअर पार्ट फिर आपका आता है पेटियोल पेटियोल क्या है वो वाला पार्ट स्ट्रक्चर जो एक ली और अच्छा पहले ये जान लीजिए तीन पार्ट क्या क्या है पहले लीव बेस फिर आपका है पेटियोल ये जो वाला पार्ट है पेटियोल और ये वाला जो पार्ट है इसके लीव ब्लेड भी कहा जाता, जाता है या फिर लैमिना भी कहा जाता है ओके तो वो वाला पार्ट ऑफ द लीफ ऑफ द सॉरी नॉट लीफ ऑफ द प्लांट जो एक लीव को एक लीव ब्लेड को या फिर जो लैमिना को कनेक्ट करता है विद द मेन स्टेम ओके दैट इज़ द पेटियोल फाइन इनफैक्ट जब हवा यू नो वेन दर इज एन एयर जब हवा बहता है तो आपने देखा होगा कि लीफ मूव करते हैं फॉर देर कूलिंग प्रोसेस एंड ऑल ओके सो उस चीज़ में कौन हेल्प करता है पेटिओल बेसिकली पेटिओल आपका सॉफ्ट थोड़ा सॉफ्ट होता है टू सो दैट इट कैन हेल्प द लीव्स टू मूव ओके कभी कभी ये मॉडिफाइड भी होता है जो हम लोग देखेंगे अपने अगले स्लाइड्स में देखेंगे सो so, uh, तो क्या होता है तीन पार्ट क्या है ये है आपका लीव ब्लेड लैमिना फिर आपका है पेटिओल uh, और थर्ड आपका लीव ब्लेड या फिर uh, उसको लिव बेस सॉरी लिव बेस लिव बेस क्या है जो लोअर वाला पोर्शन है तो आप पहले हम बात करेंगे लीफ बेस के बारे में ओके तो लीव बेस क्या है लीफ बेस वो वाला पार्ट है जिससे आपका ओरिजिनल होता है एक लीफ ओके तो यहाँ पे देख सकते हैं दो चीज़ क्या है एक एक्सेलरी बर्ड और एक है आपका स्टेप्यूल ओके स्टेप्यूल देख सकते हैं एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि बिल्कुल बेस में होता है नोड में होता है ओके और वहाँ पर एक एक्सलरी बर्ड भी होता है ओके ये एक्सेलरी बर्ड भी होता है उसके साथ एक लीफ होती है ओके तो ये आपका लीव बेस देन आप कहते हैं पेट्रोल जो मैंने आपको ऑलरेडी आपको बताया फंक्शन क्या है उसका वो कनेक्ट करता है द लीफ लैमिना द लैमिना टू दी बेस पार्ट अच्छा अब आता है हम लोग लीफ ब्लेड या लैमिना में ये इसका पार्ट देख सबसे तो पॉइंट जो टिप ऑफ द लीफ है उसको बोला जाता है एपिक्स ओके okay? और जो एपिक्स के आसपास जो एक लीफ के स्ट्रक्चर जो एक लीफ को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है उसे मार्जिन कहा जाता है ओके okay? और आपने नोटिस किया होगा कि हर एक लीफ में एक मिडिल में एक लाइन एक लाइन सा होता है उसे कहा जाता है मिड रिब ओके अ मिड रिब और मिड ट्रिप के आसपास आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लाइंस होते हैं जैसे कि एग्जांपल मैं ऐसे एक लीफ ले लेती हूँ ये आपका मिड रिब है जो बीच में कनेक्ट होता है और इसके आसपास जो होते हैं उसे कहा जाता है वेंस ओके आप देखिए वेंस देखिए कभी कभी आपने देखा होगा कि वेंस से भी कुछ कुछ और निकलते हैं वेंस उसे कहा जाता है वेनलेट्स तो वेंस और वेनलेट्स जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि हमारे लीफ में जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है जो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट वाटर फूड ट्रांसपोर्ट जो होता है ये सब कुछ आपका किस में होता है थ्रू देंस एंड वेनलेट्स ओके क्योंकि इसमें जयलेम होता है ये सब इस पार्ट में ओके तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वेंस एंड वेनलेट्स तो मिड रिब होता है वेन वेनलेट्स होता है ओके दिस फॉर्म्स द लीफ ब्लेट और लैमिना ऑफ द लीफ ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ आई होप आपको समझ में आया होगा नेक्स्ट हम आते हैं वेनेशन के बारे में वेरी इजी बिल्कुल टफ नहीं है समझिएगा चीज़ को वेनेशन क्या होता है देखिए जब आपने कभी भी लीफ देखा होगा मेरे भाई यू सी लीफ यू विल सी द जस्ट सी द पैटर्न ऑफ द लीफ ओके आप लीफ का पैटर्न को देखिए किसी किसी में आपने देखा होगा कि जैसे कि आपने किसी किसी में कि आपने देखा होगा जैसे कि ऐसा लीफ है ठीक है तो ये लीफ होगा आपका तो देखिए कभी कभी ऐसा ही इस टाइप का होता है अरेंजमेंट या फिर किस किसी लीफ में आपने देखा होगा इस टाइप का लीफ होगा और ये ऐसा स्ट्रेट स्ट्रेट जाएगा ओके तो ये और ड्राइंग डायग्राम दिया हुआ है फिर भी मैंने आपको थोड़ा दिखाया है इसमें तो ये जो वाला जो अरेंजमेंट है इसे कहते हैं रेटिकुलेट अरेंजमेंट और इसे कहते हैं पैरेलल अरेंजमेंट ठीक है तो दो तरीके के अरेंजमेंट होते हैं एक है आपका रेटिकुलेट अरेंजमेंट एक है आपका पैरेलल अरेंजमेंट रेटिकुलेट पे क्या होता है नेटवर्क फॉर्म होता है जो वेनस एंड वेनलेट्स हैं वो आपका नेटवर्क फॉर्मेशन करते हैं ठीक है और जो आपका पैरेलल पैरेलल वाला जो अरेंजमेंट है उसमें क्या है है, होता है आपका जो आपका वेन और वेनलेट्स है वो पैरेलल टू ईच अदर होता है ओके सो पैरेलल बेसिकली जो मोनोकॉन प्लांट्स होते हैं उसमें ये पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स होते हैं और जो आपका रेटिकुलेट है जो वो बेसिकली वो डाइकॉट्स में होता है ओके okay. एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर दे दिया है बनाना आप देखे होंगे बनाना में पैरेलल अरेंजमेंट होता है और जो रोज है उसमें रेटिकुलेट अरेंजमेंट होता है ओके नाउ मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट स्लाइड ऑफ टाइप ऑफ लीफ ओके टाइप ऑफ लीफ दो तरह के होते हैं एक आपका सिंपल और एक कंपाउंड सिंपल आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल यानी जो नॉर्मल टाइप के जो शेप होते हैं ठीक है थीके? ओके तो ये देखिए ये सिंपल वाला देखिए पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सिंपल वाले के बारे में ओके तो सिंपल में आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली जो आपने नॉर्मल लीव देखते हैं एक ब्रांच होगा फिर आपका एक्सेलरी बर्ड होगा लीफ होगा मिड रिब होगा जो उसे नॉर्मल जो लीफ आप देखते हैं इस टाइप के उसे आप सिंपल लीफ कहते हैं ठीक है नॉर्मल जो होता है आपका ओके जैसे कि ये आपका कोई प्लांट है तो ये आपका सिंपल लीफ होता है ओके अब हम आते हैं कंपाउंड में और एक और चीज़ सिंपल लीफ में क्या होता है आपका जो लीफ है ये होल पूरा ये होगा इसमें कोई डिविशन्स नहीं होगा कोई ब्रेक कोई कोई मतलब उसके साथ कुछ अटैच नहीं होगा ये सिंपल एक होल लीफ होगा ठीक है उसमें पेटियोल होगा जैसे कि डायग्राम में दिखाया ये सिंपल लीफ है अच्छा कंपाउंड अच्छा टाइप ऑफ सिंपल लीफ में हम लोग आते हैं अभी सिंपली तीन तरीके के होते हैं एंटायर लोफ्थ और टूथ ठीक है एंटायर में क्या है आप एंटायर में देख सकते हैं देखिए सारे में एक होल लीफ ही होगा लेकिन एंटायर में क्या होता है देखिए ये तीन शेप के होते हैं इलेप्टिकल ऑबलोंग और कॉर्डेट अगर इस शेप का होगा तो ये इलेप्टिकल जो कि गुआवा में देखा जाता है ठीक है ओबलोंग जो होता है वो बनाना में होता है आपने बनाना देखा होगा कॉर्डेट जो होते हैं वो आपका बीटल लीव्स में होता है पान आपने देखा होगा ना पान वाले लीव में तो ये तीन टाइप तीन टाइप के ये एंटायर है ठीक है सेकेंड है लोब लोब मतलब देखिए ये सिंपल लीफ के फॉम्क्शन में नहीं है ये सिंपल लीफ फॉर्मेशन में नहीं है अगर सिंपल लीफ वाला होगा ये एंटायर में आ जाएगा ठीक है सेकेंड है लोब मतलब ये कुछ इस टाइप के होते हैं ओके या फिर शार्प एडजस्ट टाइप के होंगे ओके तो ये सब आ जाएगा लोब में आएगा लोब में सिनुएट है सीरेटेड है पामेटली लोब्ड और हायरार्किकली लोब्ड ठीक है तो ये जो आपका है आपका एग्जाम्पल के सिनेवेट का एग्जाम्पल क्या है वाइट ओक फिर सिलेटेड का है आपका एप्पल है और लोब्ड नॉर्मली लोब्ड जो होते हैं वो मेपल जो प्लांट होता है वो मेपल इज़ अ टाइप ऑफ लोब्ड सिंपल लीव्स ओके फिर नेक्स्ट आते हैं टूतीड में टूतेड में यहाँ पे टूतेड क्यों का नाम है इसका ये जो लीव है नॉर्मल लीव इस टाइप के होते हैं ये इसमें क्या है देखिए तीत जैसे कि तीत होता है ना वो टूटेड होता है ठीक है तो इसका एग्जाम्पल क्या है चेस्ट नट ओके सो दीज आर ऑल हैविंग सिंपल लीव्स कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि मैंगोज हिबिस्कर्सपियर ये सब में भी सिंपल लीव्स होता है ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कंपाउंड लीव्स तो कंपाउंड लीव्स दो तरीके के होते हैं एक है आपका पिनेट पिनेटली कंपाउंड एक है आपका पामेटली कंपाउंड ये भी वेरी इजी है जस्ट फॉलो द क्लास ठीक है तो पीनेटली और पामेटली क्या होता है यहाँ पे देख सकते हैं ओके okay. पहले हम बात करें कंपाउंड लीव्स क्या होता है सिंपल आपने क्या देखा था सिंपल में आपका नॉर्मली जिस इस टाइप के होते हैं है ना सिंपल में इस टाइप के होते हैं पामेट में क्या होता है डिविशंस होते हैं जैसे कि अगर आपका मेन एक आपका स्टेम होगा मेन ब्रांच से जो निकलेगा ये मेन वाला ओके okay, उसके बाद मेन ब्रांच से आपके बहुत सारे एक्सेस निकलेंगे ठीक है और इस एक्सेस में आपका क्या होगा लीव्स होगा मतलब देखिए कितने सारे डिविजन्स हैं यहाँ पे ओके okay? अच्छा एक और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वो जो वो जो पार्ट ऑफ द प्लांट होता है या फिर वो जो एक्सेस होता है सेंट्रल एक्सेस भी बोला जाता है इसको ये जो मेन एक्सेस होता है जिससे आपके लीफलेट्स फॉर्मेशन होते हैं ओके okay? उसे कहा जाता है रेचिस यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं रेचिस भी बोल सकते हैं या मेन एक्सेस भी बोल सकते हैं ये जो एक्सेस है ये क्या होता है ये मेन ब्रांच को कनेक्ट करता है विद द लीफलेट ओके तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इस टाइप के जो अरेंजमेंट होते हैं उसे कंपाउंड बोला जाता है नॉर्मली में क्या रखा था सिंपल एक लीफ था इधर से एक लीफ इधर से एक लीफ लेकिन इसमें क्या है मेन ब्रांच है और मेन ब्रांच से बहुत सारे एक्सेस निकलता है जिसको रैचिस कहा जाता है और रैचिस में क्या होता है जो लीफलेट्स होते हैं वो अरेंज किया होता है ओके तो उसे एक इस टाइप के अरेंजमेंट को कहा जाता है कंपाउंड लीफ और कंपाउंड लीफ भी दो तरीके के होते हैं एक है आपका पिनेटली कंपाउंड एक है आपका पामेटली कंपाउंड ओके अब हम आते हैं पिनेटली और पामेटली क्या होता है पिनेटली में क्या होता है यहाँ पर नीचे भी मैंने एक और डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ देखे अरेंजमेंट में पिनेटली क्या होता है पिनेटली यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका मेन ब्रांच है ना मेन ब्रांच से आपका क्या होगा लीफलेट फॉर्मेशन होंगे सेपरेट लीफलेट्स ओके लीव्स लीफलेट या फिर लीव्स सेपरेटली रहेंगे लेकिन जो आपका पामेटली होता है इसमें क्या होता है सारे लीव एक साथ एक पॉइंट से आपका कनेक्ट होंगे दे ऑल द लीव्स दे कम टुगेदर एंड दे कनेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट एंड दे फॉर्म जो आपका होल टाइप होता है ना वैसे आपका अरेंजमेंट फॉर्म करते हैं इसका हम और डिटेल्स में हम जानेंगे तो कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड लीव्स हैं आपका क्लोवर रोज नीम लेमन ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन और डिविजन ऑफ कंपाउंड लीव जैसे कि मैंने कहा कि पिनेटली और पामेटली, ओके okay? ना पिनेटली में आके देखिए पिनेटली में भी आपका दो तरीके के होते हैं एक होता है बेस्ड ऑन द लीफलेट पेयरिंग ठीक है और दूसरा है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पिनेशन ओके okay? अब ना कम टू द फर्स्ट पार्ट ओके okay? पेयरिंग ऑफ लीफलेट्स ओके okay? पेरी है और इम पैरी, पैरी पिनेट क्या है जब इवन नंबर का आपका जो है ना लीफलेट्स हो, लीफ होंगे ठीक है जो तो ईवी नंबर का बोर्ड साइड में होंगे उसे कहा जाता है पैरिपिनेट देखिए बोर्ड साइड में है पेडिपिनट लेकिन इन पैरिपिनेट क्या है जब एक एक्स्ट्रा जब एक और एक लीफ होगा इन द एक्सेस इन द इन द टर्मिनल पोर्शन ओके आपका जो सेंटर में या फिर ऑन द टॉप ओके जब एक अलग सा एक और नंबर भी आएगा पेरिंग तो है ही लेकिन जब एक ऑर्ड नंबर का एक और लीफ उसमें आएगा अनपैड ओके okay, उसे कहा जाता है इम्पेरिपिनेट तो पेरिपिनेट का एग्जाम्पल है एशिया और इम्पेरिपिनेट का एग्जाम्पल है पी प्लांट ओके नाउ कम टू कम्पलीट नंबर ऑफ पिनेशन के बेसिस पे जो डिविजन होता है कम पिनेटली कंपाउंड लीव्स का यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है ये आपका इट्स टाइप ऑफ इम्पेरिपिनेट ओनली ठीक है देखिए सेम टाइप के हैं है ना तो ये आपका अनपिनेट होगा बाई पिनेट क्या है जब दो लीफलेट्स होंगे ओके okay? देखिए बोथ साइड दो साइड में दो लीफलेट का अरेंजमेंट उधर भी लीव्स है लेकिन दो जो मेन ब्रांच है उससे आपके बोथ साइड्स में दो दो निकले हुए उसको बाईपिनेट बोलते हैं ठीक है ट्राईपिनेट क्या है यहाँ पे देखिए फिर से देखिए एक और नंबर ऊपर में आ जा रहा है ओके ये वन टू थ्री ये ट्राइपिनेट है यहाँ पे तीन लीफलेट का अरेंजमेंट है ओके ऑन थ्री साइड्स बोथ साइड्स एंड ऑन द टॉप इसे कहा जाता है ट्राई ओके ये पर कंपाउंड कंपाउंड कम टू दी पामेटली कंपाउंड लीफ पामेटली में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जब लीफ एक साथ एक जगह पे आके ज्वाइन करते उससे कहा जाता है पामेटली कंपाउंड ओके अच्छा एग्जाम्पल आते हैं सॉरी मैंने मिस किया एग्जाम्पल ऑफ अन पीनेट आपका कैशिया अगेन बाई पीनेट आपका एकशिया ठीक है ठीके? और ट्राई का एग्जाम्पल है मोरिंगा यहाँ पर साइड में मैंने दिया हुआ है ओके नाकाम टू पामेटली कंपाउंड का यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप क्या है यूनिफोलियेट यहाँ पर देखिए एक ही लीफ है ठीक है ये देखिए ब्रांच है एक ही लीफ है ओके okay, ये है बाईफोलियट देखिए दो लीफ है ओके okay, दो लीफ एक ही पॉइंट में जॉइंट हो, हो रहे हैं यहाँ पे देखिए तीन लीव्स है एक ही पॉइंट में ज्वाइन हो रहे हैं यहाँ के यहाँ पर चार लीव्स एक ही पॉइंट में ज्वाइंट और ये है मोर देन फोर तो मल्टीफोलिएट ओके okay, ये है आपका पामेटली कंपाउंड एग्जाम्पल क्या है सिट्रस है आपका यूनिफोलियट का बाईफोलीट का है आपका बैलेनाइट ट्राइफोलियड का है ऑक्सिलिस मार्सेलिया इज अ क्वार्रीफोलियेट एंड बॉम्बेक्स इज मल्टीफोलियट अच्छा एक और बात मैंने यहाँ पे आपको मिस हो गया मेरे से कि जो कंपाउंड लीफ होते हैं कंपाउंड लीफ में आपका क्या होता आप क्या है आप डिस्टिंग कैसे करेंगे सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में सिंपल लीफ में देखिए यहाँ पे एक्सेलरी बर्ड है ठीक है कंपाउंड लीफ में यहाँ पे देखिए कोई एक्सेलरी बर्ड नहीं होता है ठीक है याद रखिएगा ये चीज़ टू और सिंपल लीफ में क्या होगा होल लीफ होता है और कंपाउंड लीफ में क्या होता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है फिर डिविजन होता है डिविजन ऑफ द मेन ब्रांच इन टू रैचेस एंड एंड लीफलेट्स ठीक है तो ये आपका डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड लीव और सिंपल में आपका क्या होगा टाइप्स में ना टाइप्स ऑलरेडी दिया हुआ है क्या क्या है इंटायर लॉकडाउन टूटिथ और कंपाउंड में क्या होगा पिनेटली एंड पामेटलीफ फिर पिनेटली पामेटली का भी अलग अलग डिविशंस होता है दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल लीव एंड कंपाउंड लीव ओके नाउ विल कम टू द फाइलो ट अच्छा अब हमने देखा था कि अभी तक हमने देखा है कि लीव कैसे अरेंज होते हैं उसका वेंस कैसे अरेंज होते हैं उसके बेसिस पे अब हम बात करेंगे जो अरेंजमेंट जो लीव्स के अरेंजमेंट होते हैं उसका भी एक पैटर्न होता है ठीक है, है।, है एक स्टेम में जो लीव्स के अरेंजमेंट होते हैं उसके भी पैटर्न होते हैं ओके तीन टाइप के होते हैं एक आपका ऑल्टरनेट एक आपका ऑपोजिट और एक ही आपका वोल्ड ओके ऑल्टनेट यहाँ पे आइए डायग्राम में ऑल्टरनेट क्या होता है देखिए नाम से पता चलता है ऑल्टरनेट क्या है जैसे कि ये आपका एक ये आपका एक स्टेम है ओके ब्रांच है ऑल्टन मतलब एक साथ नहीं एक यहाँ एक यहाँ ऐसे मतलब एक के बाद एक एक के बाद एक अगर ऑपोजिट हुआ तो एक साथ ऑन द ऑपोजिट साइड्स ओके अगर आपका ऑपोजिट हुआ तो क्या हुआ एक ही ब्रांच होगा ऑन द ऑपोजिट साइड यह आपका ऑपोजिट टाइप और अगर अगर एक के बाद एक एक के बाद एक हुआ तो वो ऑल्टरनेट और होल्ड क्या होता है वर्ल्ड मतलब क्या होता है वर्ल्ड में आपके जो लीफ होते हैं वो जो अरेंजमेंट होता है लीव्स का वो द ऑल द लीव्स दे दे कम एंड दे जॉइन एट अ सिंगल पॉइंट ओके इट फॉर्म्स अ वर्ल्ड लाइक शेप ओके okay? इस टाइप के फंक्शन होगा जैसे कि यहाँ पे एक लीफ है यहाँ पे एक लीफ यहाँ पे यहाँ पे लीफ दे ऑल कम एंड जॉइंट टू अ सेंटर पॉइंट इन द ब्रांच ओके तो ये देखिए यहाँ पे वोल्ड फंक्शन हुआ है यहाँ पे ठीक है एक ही पॉइंट से एक लीफ फिर दो लीफ फिर तीन लीफ चार लीफ इस टाइप का ठीक है यह आपका वोल टाइप का अरेंजमेंट ओके okay? एग्जाम्पल नीचे मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी ऑपोजिट यहाँ पे दिया हुआ है और हुआ हुआ ऑल्टरनेट का आपका है चाइना रोज मस्टर्ड और सनफ्लावर और वोल्ड का है एल्स्टोनिया ठीक है अब हम आते हैं लीफ मॉडिफिकेशन में हाउ इज द लीफ मॉडिफाइड इट इज मॉडिफाइड इन टू डिफरेंट टाइप जैसे टेंड्रिल स्केल्स स्पाइंस ब्लैडर हुक्स फाइलोड पीचर एंड रूट्स टेंड्रिल क्या होता है कभी कभी लीफ का मॉडिफाइड होता तो है फॉर्म ऑफ टेंड्रिल्स तो एग्जाम्पल है पिजम सैटिवम कभी कभी वो स्केल फंक्शन आपने ऑनियन में देखा होगा जो लीफ होता है वो कभी कभी स्केल के फंक्शन में होता है तो वो है आपका ऑनियन एग्जाम्पल है ऑनियन कभी कभी लीफ क्या होता है स्पाइन फॉर्मेशन होता है ओके कभी कभी दे फॉर्म स्पाइंस ओके पॉइंटेड लाइक द स्पाइंस सो देस लीव स्पाइंस द एग्जाम्पल इज ऑपन चीयर ओके सो देदर वन इज द ब्लाडर ओके लीव कैन ऑल्सो भी मॉडिफाइड इन टू ब्लाडर अपने इंसेक्टिवर्स प्लांट्स के भी हमें सुना होगा कभी कभी लीव क्या होता है उनका शेप इस तरह का होता है कि दे कैन दे कैन कैप्चर इंसेक्ट्स और दे कैन ईट इंसेक्ट्स ओके सो दे नोन एज इंसेक्टिवर्स प्लांट्स तो कभी कभी लीव क्या होता है दे कैन फॉर्म पिक्चर शाप पिक्चर शेप कभी कभी होता है कभी कभी लीव पिक्चर शेप होगा इस टाइप के कभी कभी वो ब्लैडर टाइप का होगा ठीक है तो दीज आर वट टाइप ऑफ इंसेक्टिवल्स प्लांट जैसे कि पे दिया है लीव ब्लैडर लीव पिक्चर ओके सो दे फॉर्म दे आर ऑल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव देन समटाइम्स लीव फॉर्म हुक लाइक स्ट्रक्चर ओके एग्जाम्पल है बिग्नोनिया फिर कभी कभी क्या होता है जो आपका पेटियोल होता है ना लीव का पेटियोल वो कभी कभी क्या होता है दे ऑल्सो फॉर्म लीव लाइक स्ट्रक्चर जैसे कि एकशिया में देखा जाता है जो पेटियोल है इट फॉर्म्स अ लीव लाइक स्ट्रक्चर तो दे आर नोन एज फाइलोड्स उसके एग्जाम्पल क्या है एक्शिया ठीक है लास्ट है आपका रूट्स लीफ रूट्स कभी कभी लीफ क्या होता है दे ऑल्सो दे कैन बी मॉडिफाइड इनटू रूट ओके रूट टाइप ओके तो वो इट हेल्प्स द इट मे हेल्प द प्लांट टू फ्लोट ऑन वाटर ओके वाटर सर्फेस एंड ऑल तो एग्जाम्पल सेल्वेनिया है सो दीज आर सम ऑफ द लीफ मॉडिफिकेशन ओके डायग्राम मैंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ है देन कम टू फंक्शंस ऑफ लीफ लीफ के कुछ फंक्शन है बेसिकली फर्स्ट फंक्शन जो मेन फंक्शन होता है लीफ का वो है सिंथेसिस ऑफ फूड ऑल्सो नोन एज प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथसिस तो ये एक फंक्शन है दूसरा फंक्शन है ट्रांसपीरेशन क्या होता है कि कभी कभी जो लीफ में क्या होता है जो वाटर रिमूव वाटर कभी कभी एक्सेस वाटर जो जिस प्रोसेस से वो आ, वो बाहर जाते हैं लीफ से ओके ट्रांसपीट ट्रांसफायर करते हैं रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द लीफ सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन दैट ट्रांसफरेशन प्रोसेस थर्ड है आपका गटेशन कंडीशन भी सेम वही है कभी कभी क्या होता है एक्सेसिव वाटर होता है जाइलम में वो जब रिमूवल होता है उसे तो गटेशन कहते हैं तो स्टोरेज के लिए हेल्प होता है आपको पता है कि लीफ फूड फूड सेंसेज करते हैं तो फूड स्टोरेज होता है उसमें कभी कभी लीफ ऑल्सो एक्ट एज डिफेंस डिफेंस भी एज अ डिफेंस थॉर्न्स होता है उसमें आपका स्पाइन uh, होता है राइट सो लीफ में कभी कभी दे ऑल्सो एक्ट एज डिफेंस ऑल्सो ओके ओके ये कुछ फंक्शन ऑफ़ लीफ ओके यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है फॉर यू सो प्लीज़ गो थ्रू द क्वेश्चन सोल्व इट अगर आपको कुछ डाउट है तो बताइएगा सो so आई होप आपको आज का का सबको अच्छा लगा हो मेरा क्लास एंड इफ यू लाइक इट डू प्रेस ऑन द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास एंड हैव अ ग्रेट डे थैंक यू सो मच